गाइस अभी मैं इसको शेक कर रहा हूँ, दुबई वाला शेक। जल्दी जल्दी शेक करो और चलो, लेट हो रहा है। हाथ भी अच्छा गीला हो गया है। वापस से हैंड वॉश कर लोगे ना, तुम्हारे हाथ में लगा है। अभी रेडी होना है। देखो गाइस आप सैनिटाइजर देखिए, बेसिन पे रख दो। गाइस इसे अब हम रखते हैं जहाँ ये रहता है, तो ये है पुराना वाला। देखो नहीं पता इसको कहाँ रखना है, मैसेज घर ही रखता हूँ। पुराना वाला फेंकने का है, तो पुराने वाले को फेंकना है, उसको यहाँ रख देते हैं, फेंक देंगे बाद में। और हम पैर और हाथ पैर धो के अच्छे से धुलकर स्कूल चलते हैं। आज हमारा ओरल है, हमारा एग्जाम चल रहा है। किस चीज का ओरल है? आज हमारा मैथ्स का ओरल है। तो गाइस अभी थोड़ा सा लर्न है, लर्न तो नहीं अभी गाइस, लर्न कर लर्न कर लर्न कर, टाइम है जल्दी से लर्न कर, बुक निकाल। गाइस हमें अभी टाइम टेबल से भी रखना है, तो सबसे पहले टाइम टेबल से फटाफट रखता हूं, फिर मैं आपको मिलता हूं। बुक मेंटेन करके जल्दी से लर्न करो। हां गाइस आपको पता भी मैं कितना बिजी रहता हूँ। सबसे पहले मैं 10 से 11 फिर मैं 12 से 6 बजे तक स्कूल जाता हूँ, फिर आके 6:30 से 9 बजे तक तो मेरा रहता है ट्यूशन, फिर वहाँ से आता हूँ खेलता हूँ, और फिर मैं 1 बजे तक होमवर्क करता हूँ और सोता नहीं हूँ। और जो 2-2 घंटे मोबाइल टीवी, अरे वो सब तो चलता ही रहता है। तो गाइस अभी हम ढूंढ रहे हैं जिसमें मैंने टाइम टेबल था, तो ये बुक निकालते हैं, टेबल लर्न करना है। ये मत सोचना कि मैं कि 1 और 2 का टेबल लर्न करूँगा, मैं बड़े स्टैंडर्ड में हूँ, फोर्थ में। और ये तलहा का है टाइम टेबल, 2 × 10 = 120, 12 × 1 = 2, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 20, 36। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो वेलकम करती हूँ मैं आज के व्लॉग में आप सभी का। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं रेडी होकर बैठी हूँ, और मुझे तलहा को स्कूल छोड़ने जाना है, और तलहा अभी लर्न कर रहे हैं, 14 का टेबल लर्न नहीं है अच्छे से। तो फिर आगे आपको मैं दिखाती हूँ कि हम लोग स्कूल कैसे जा रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये तलहा रेडी हो रहे हैं, अब हम लोग निकलने वाले हैं स्कूल के लिए। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और ये ऐसा टाइम है जो पूरी गली में आपको ताला ही ताला दिखेगा, सबके दरवाजे पे लॉक लगे रहेगा, सारी भाभी लोग आजू बाजू आमने सामने सब बच्चे को छोड़ने लाने जा रही हैं, पूरी गली ही है, सबके दरवाजे पे सिर्फ लॉक दिखेगा, सब भाग भाग के जा रहे हैं, हम लोग को भी बहुत लेट हो रहा है। तो ये दिखाने का इंटेंशन सिर्फ मेरा ये है कि मुंबई में किस तरह से बच्चे लोग को लाने छोड़ने जाना पड़ता है। हम लोग लाने छोड़ने जाते हैं बच्चे लोग को स्कूल में, और ये मेरी चद्दर डली हुई है, मैं इसी कपड़े डालती हूँ। और इधर आप देख सकते हैं, इधर काली माता मंदिर जहाँ पर दुर्गा भंडार है, थोड़ा दिख रहा है। तलहा रेडी हो रही है, सैंडिंग पहन रही है, मैं बाहर आपको ये सब दिखा रही हूँ। अब हमारा भी लॉक लग गया और हम लोग स्कूल जा रहे हैं। तलहा थोड़ा नर्वस है बिकॉज उनका आज एग्ज़ाम है, और वो लर्न करते हुए चल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हम लोग स्कूल जा रहे हैं। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और ये अब हम लोग आ गए हैं बाहर, तो ये देखिए ये इधर दुर्गा पंडाल, यही हमारे घर से स्कूल जाने का रास्ता है शॉर्टकट वाला। तो हम लोग स्कूल जा रहे हैं। और फिर ये है उसी दिन के रात का व्लॉग, जो कि हम लोग तलहा का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और ये बहुत टफ था, स्केच में बहुत अच्छा नहीं बना पाती हूँ, बस ऐसे ही अपने लिए स्कूल में बनाई थी, और अब अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। और इसको मैं और तलहा के पापा दोनों मिल के बनाए, तलहा के पापा ने स्केच कर दिया था और मैं कलर वगैरह शेडिंग कर रही हूँ। ओरल के बाद तलहा का प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा।
और ये दूसरे दिन का है जिसमें हम अब्दुल कलाम आज़ाद का स्केच बना रहे हैं। ये भी ताला के पापा ने और मैंने मिलके बनाया था। बहुत टफ था, ये बन ही नहीं रहा था। हम लोग स्केच आर्टिस्ट तो हैं नहीं, लेकिन स्कूल में थोड़ा बहुत दोनों लोग ने बनाया था और अब बेटे के लिए इतनी मेहनत करना पड़ रहा है। मुंबई में प्रोजेक्ट जब चालू हो जाता है तो सारे पेरेंट्स रात रात जाग जाग के प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद का स्केच कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बच्चे सोते रहते हैं और ये वॉइस ओवर करने के टाइम तलहा भी थोड़ी मस्ती कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि मम्मा बना रही थी और मैं सो रहा था, पर टीचर ने ऑर्डर दिया है तो फिर बनाना ही पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा तलहा भी सीखते रहते हैं, देखते रहते हैं। और ये स्केच जब बन रहा है तो ये रात के 2 बज रहे हैं, क्योंकि तलहा के पापा शॉप से आते हैं और मेरा सारा काम हो जाता है। उसके बाद हम लोग बैठ के रात में रिलैक्स होके इनका स्केच बनाते हैं, जो भी प्रोजेक्ट रहता है बनाते हैं। और इनका प्रोजेक्ट हमेशा स्कूल में नंबर 1 ही आता है।